गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स स्टूडेंट। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। देखो स्टूडेंट, इसका मीन ये है कि इन्होंने कहा कि जेडे तुहानू नीचे क्वेश्चंस गिवन है ना, उन्होंने चो केड़ा जीरो नू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जीरो नू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फर्स्ट ए पार्ट देखो, तुसी वन प्लस जीरो, जो वन प्लस जीरो सॉल्व करोगे, वन दे विच जीरो ऐड करोगे तो कितना आएगा वन, ईजा आंसर तुहाडा वन आ जाएगा। बी पार्ट है तुहाडा जीरो मल्टीपाई जीरो, जीरो नू जीरो नाल मल्टीपाई करोगे आंसर कितना आएगा जीरो। सी पार्ट है जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन टू का मतलब है जीरो डिवाइड टू, जीरो नू जो तुसी किसी नंबर नाल डिवाइड करते हो ना तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। डी टेन माइनस टेन अपॉन टू, टेन विचों टेन फर्स्ट पहला माइनस करोगे कितना आएगा जीरो, जीरो अपॉन टू डिनोमिनेटर की है तुहाडा टू, जीरो अपॉन टू मीनस जीरो। स्टूडेंट ये क्वेश्चन असी चारों मतलब चार दे चार पार्ट असी पहला सॉल्व कर ले। हुण क्वेश्चन की यह एडिंग सी तुहाडी कि जेडे फोर नीचे क्वेश्चन गिवन है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग का मतलब है कि जेडे नीचे फोर क्वेश्चन गिवन है ना, उन्होंने केड़ा जीरो नू रीप्रेजेंट नहीं कर रहा, केड़ा पार्ट है जिदा आंसर जीरो नहीं आ रहा, वो पार्ट है ए। देखो तो तुहाडा टिक भी लगाया होया, ठीक है, तुसी आंसर नीचे एवें लिखोगे पार्ट ए वन प्लस जीरो इक्वल टू वन विल नॉट रीप्रेजेंट जीरो। भी जोड़ा पार्ट ए ए है ना, उसके भी जो आंसर आ रहा है वो जीरो नहीं है, मतलब जीरो नू रीप्रेजेंट नहीं कर रहा, आंसर उसका डिफरेंट आ रहा है, वन आ रहा है। सेकेंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन वी से डैट वन ऑफ कैन वी से डैट वन और बोथ ऑफ दैम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन ये है कि अगर टू होल नंबर थोड़े को होन, ठीक है, जे उन्होंने दोनों होल नंबर की प्रोडक्ट करते जीरो आए, ठीक है, सब तो पहला तुम्हें होल नंबर याद होने चाहिए, होल नंबर जेडे जीरो तो स्टार्ट होंगे हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो इन्होंने क्या दो होल नंबर होन उन्होंने प्रोडक्ट करते जीरो आवे, ठीक है, तो उस तो बाद इन्होंने जी सैकेंड लाइन है ना, कैन वी से डैट वी की इसका मतलब है कि असं कह सकते हैं कि वह दोनों नंबर चो एक या दोनों नंबर जीरो हो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। जस्टिफाई मतलब होंगे एक्सप्लेन करना, भी ये तुसी एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, तो असी फस्ट आंसर देवे यस, यस अगर असी दो होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आएगा। और असी देखो जिते लिखे ना ब्रैकेट जो साइन है टू डॉट नीचे एक डॉट है, ये साइन है बिकॉज का लिखा भी हुआ मैं नीचे ब्रैकेट बिकॉज ई जी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल नंबर वन असी मैनशन करती, असी टू होल नंबर लै लिया जिमें कि असी एक होल नंबर लै लिया टू, ठीक है, एक होल नंबर असी लै लिया जीरो, टू नू जीरो ना मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। इसे तरह असी सैकेंड एग्जाम्पल लै ली, असी फिर मतलब इन्हां विच फस्ट और सैकेंड एग्जाम्पल असी की शो किया है कि जेडे भी असी टू होल नंबर लए हैं ना उन्होंने एक असी होल नंबर जीरो लवेंगे, जिमें कि फस्ट विच की है टू मल्टीप्लाई जीरो, टू फस्ट नंबर है, जीरो की लिया उन्हें सैकेंड नंबर, ठीक है, दोनों विचों एक नंबर जीरो असी लैना है, टू जीरो का जीरो। इसी तरह सैकेंड पार्ट जे असी सैकेंड एग्जाम्पल लेंदे हाँ फिफ्टीन जीरो का जीरो, थर्ड एग्जाम्पल दे विच असी की किता कि दोनों होल नंबर से जीरो ही लै ले, जीरो मल्टीप्लाई जीरो कितना आएगा जीरो, ठीक है, ये असी प्रूव भी करके दिखाता मतलब शो करके दिखाता जो क्वेश्चन पूछे है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन वी से डैट वन और बोथ ऑफ दैम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। हूँ थर्ड क्वेश्चन के है कि मतलब जे हो दो होल नंबर की प्रोडक्ट वन होवे, ठीक है, इफ का मतलब होंगे जे या जेकर, जेकर टू होल नंबर की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीनस मल्टीप्लाई, जे दो होल नंबर की मल्टीप्लाई वन होवे तो की एक या दोनों वन मतलब एक या दोनों जोड़े नंबर है उन्होंने मतलब वन वन ही होएगा जोड़े नंबर लवेंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। स्टूडेंट एक कॉमन सेंस है कि जेड़ा वन है
स्टूडेंट जेड़ा वन है वन प्रोडक्ट किवें आती है जदों मतलब वन आंसर किवें आता है जदों वन की वन नाल मल्टीप्लाई करोगे ना आंसर वन ही आएगा। ठीक है जदों वन की वन नाल मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर वन ही आता है। तो तुसी आंसर विच की लिखोगे बोथ ऑफ दैम विल बी वन भी दोनों नंबर वन ही होंगे। ठीक है ये नहीं कि एक नंबर वन होएगा क्योंकि जे तुसी फॉर एग्जाम्पल तुसी इस तरह लेंदे हो कि एक नंबर तुसी ले लिया टू एक नंबर ले लिया वन टू वन का टू वो तो टू आ जाएगा तो वन लियाने के लिए सानू की करना पेगा वन मल्टीप्लाई वन वन मल्टीप्लाई वन करना पेगा जो वन नू वन ना मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा तुहाडा वन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। देखो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी तुसी ऑलरेडी की हुई है 2.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन से ना उ है सेम एज इस मैं तुम एक फिर भी एक पार्ट समझा दिनी हाँ 728 मल्टीप्लाई 101 तो ये टू नंबरस गिवन है इन्हों की जी मल्टीप्लाई वह सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होनी इस प्रॉपर्टी यूज होनी है उस प्रॉपर्टी का नाम की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है तो 728 मल्टीप्लाई 101 नू तुसी की करोगे 101 नू जीरो वाले नंबर दे नियर कर लोगे 101 किदे नियर है 100 दे नियर है तो यह बन जाएगा 100+1। अगे तुहानू पता ही है कि 728 नू पूरी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई करना है 728 नू पहला 100 नाल करांगे फिर 728 नू 1 नाल करांगे विचकार साइन हैगा प्लस दा ब्रैकेट विच तो जो दोनों दे आंसर आएंगे फिर उन्होंने असी प्लस कर देंगे। तो हूँ स्टूडेंट तुसी मैं ना तुहाडे बाकी जिहड़े बी सी पार्ट्स हैं उन्होंने मैं हिंट्स लिखते नाल अगे तुसीं खुद सॉल्व करना। इस तरह मैं डी और ई पार्ट का भी हिंट्स लिखता कि 125 100 दे नियर है तो ई पार्ट दे विच ना स्टूडेंट तुसीं चाहे तो 504 नूं तुसीं नियर कर लो जिवें कि मैं तुहानूं इत्थे मैनशन किया होया या तुसीं 35 का भी कर सकते हो 35 नूं लै सकते हो तुसीं 30+5 तो 504 नूं सेम एज रखो। ई पार्ट नूं सॉल्व करने तुहाडे मतलब टू वेज हैं। ठीक है इनू स्टूडेंट तुसीं हुण खुद कंप्लीट करना है और मैं इत्थे मैनशन भी करता कि जिहड़ा फोर्थ क्वेश्चन है सेम एज है 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डन एंड क्वेश्चन नंबर फोर के आंसर थानू मैं मैनशन करते। और स्टूडेंट अगे तुसीं नैक्सट देखो फिफ्थ क्वेश्चन स्टडी का पैटर्न। स्टूडेंट यू हैव ऑलरेडी डन पैटर्न चैप्टर इन ईयर प्रीवियस क्लास लास्ट ईयर तुसीं कीता सी ना फिफ्थ क्लास दे विच पैटर्न चैप्टर ये ओही है सेम ये देखो इस दे विच पैटर्न गिवन है तुहानूं लैफ्ट हैंड साइड सब तो पहला तुसीं लैफ्ट हैंड साइड देखो तुहानूं गिवन है 1 × 8+1 अगे नैक्सट लाइन च वन की जगह पर की हो गया 1 2 फिर तुसीं देखो नीचे नीचे तुसीं देखते जाओ ये पहला वन है फिर 1 2 है फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5। ठीक है इत्थे तक तो गिवन है 8 जिहड़ा हैगा तुहानूं हरेक लाइन के विच सेम है मल्टीप्लाई 8 उस तो बाद प्लस तो बाद देखो प्लस तो बाद फस्ट लाइन च 1 है फिर 2 है फिर 3 है 4 है 5 है तो तुसीं लैफ्ट हैंड साइड पहला कंप्लीट करोगे। ठीक है लैफ्ट हैंड साइड तुहाडियां दो मिसिंग सीगियां मैं फिल भी करती हाँ इन्हां नूं ध्यान नाल देखना कि जिहड़ा लास्ट सैकेंड लास्ट लाइन है ना या फिर तुसीं कह सकते हो सिक्स लाइन के विच सिक्स लाइन के विच की आएगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8+6। ठीक है इसी तरह तुसी राइट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड के विच की पैटर्न चल रहा है पहला फस्ट तुहाडा 9 है फिर तुहाडा बैक काउंटिंग होगी 9 8 फिर 9 8 7 फिर 9 8 7 6 9 8 7 6 5 एंड सिक्स लाइन इज 9 8 7 6 5 4। इसी तरह तुसी लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेनी है जिहड़ा डैश लिखा ना फिलअप्स ये मिसिंग सी ये फिल किया। ठीक है क्योंकि तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है देखो इस लिखा हुआ है राइट द नैक्सट टू स्टैप्स राइट द नैक्सट टू स्टैप्स का मीनिंग ये है कि तुसी अगले दो स्टैप लिखने हैं सुनन ये तुहाडे फिल करके देते मैं तुसी इस तो अगे नहीं हुण लिखना। ठीक है ये फिल करते ऑलरेडी हुण तुहाडा जो होमवर्क है वह तुहानूं मैं इत्थे मैनशन भी करता फोर्थ क्वेश्चन है जिहड़े बाकी पार्ट्स रह गए ना ऑल पार्ट्स मतलब तुसी सॉल्व करोगे एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुहानूं सॉल्व करके दिखाता
सी इज़ अ बी सी डी ई हूँ खुद कंप्लीट करना है और हिंट्स मैं थानू मैनशन कर दीते हैं हूँ तुम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करना ये थोड़ा हूँ चैप्टर 2 अज कंप्लीट हो गया थैंक यू